दोस्तों, जैसे कि हम सबकी फेसबुक स्टोरी पे व्यूज़ नहीं आते हैं, और ये वीडियो मेरी इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम अपनी फेसबुक स्टोरी पर कैसे व्यूज़ लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कैसे लाएं। जी, जैसे कि हमारे 5000 फ्रेंड होते हैं, मिनिमम 2000 से ऊपर तो व्यूज़ आने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्टोरी लगाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी करके लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्टोरी पर व्यूज़ नहीं आते, और हमें मन थोड़ा होता है कि हमारी स्टोरी पर व्यूज़ कैसे नहीं आ रहे। दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे आप अपनी स्टोरी पर व्यूज़ ला सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, यानी 5000 से भी ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं अगर आपकी स्टोरी सही है तो। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी में चले जाना है, और बाद में प्राइवेसी शॉर्टकट में जाना है। सीधे जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा सी मोर प्राइवेसी सेटिंग, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर, वो कैन सी योर स्टोरी, इस पर आप क्लिक कर लेना है। सिंपल, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और मोर पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि उसमें देखने को मिलेगा फ्रेंड्स पब्लिक, जहाँ तक कि उम्मीद है आपका फ्रेंड्स पर होगा। सिंपली उसको फ्रेंड्स को हटाने के बाद आपको पब्लिक कर देना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। पब्लिक करने के बाद हमारी जो स्टोरी है वो सभी देख पाएंगे, ना कि फ्रेंड, जिससे कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। दोस्तों, इसके अलावा एक टॉपिक, एक ये बात मेन बात है जो कि आपको ध्यान देनी है, जिसमें कि हमारे फ्रेंड अनएक्टिव होते हैं, उन्हें एक्टिव होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे फ्रेंड ऑफलाइन रहते हैं, जो फेसबुक नहीं चलाते हैं, वो डिलीट कर देते हैं, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अपने सारे फ्रेंड डिलीट कर सकते हैं और नए फ्रेंड ऐड कर लीजिए। अब जैसे कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की मैं वीडियो डालता हूँ, और प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ऐसी ही टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि आप जैसे अपने फ्रेंड जो अनएक्टिव है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, और कस्टमाइज के द्वारा भी एक बार में क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार में। अब जैसे कि आप देख लीजिए, इस फोटो का थंबनेल आप इस तरीके से बता रहा है कि आप एक बार में कैसे अपने फेसबुक के सभी फ्रेंड्स डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, बस मैं यही उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को देखो और इस ट्रिक को और टॉपिक को अपनाओ, और अपने जितने फ्रेंड हैं सभी फ्रेंड ऑफलाइन को रिमूव करो, अनफ्रेंड कर दो, और उनको ऐड करो जो कि आपके एक्टिव फ्रेंड रहते हैं, जो कि अपलोड पोस्ट करते हैं और स्टोरी लगाते हैं, उन्हीं के साथ अपनी स्टोरी शेयर करो, और जाके जहाँ तक की उम्मीद है मेरी, इसी से आपकी स्टोरी पर व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आएंगे। मेरे भी इसलिए नहीं आते थे, तो मुझे पता चला किस तरीके से आएंगे, तो मैंने ये टॉपिक अपनाया था, और ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, उम्मीद करूँगा मैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय बाय।